मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी और मेरे जो मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई हैं उनके लिए सबके लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं काफ़ी देर से परेशान था कि बहुत मतलब कईयों दृष्टांत मेरे सामने आए, काफ़ी बुक मैंने इधर उधर पलटी और परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं, कभी अंदर कभी बाहर, किताब ये खोलूं वो खोलूं, समझ में नहीं आ रहा था कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। बहुत परेशान था, सुमरन भी कर रहा था अंदर बाहर भी, कभी बाहर जा रहा गेट खोल के कभी अंदर आ रहा। तो ऐसे करते करते सुमरन एक अचानक गेट के बाहर खड़ा हुआ तो महात्मा जी के दर्शन हो गए। तो निकला हूँ उसे तू ही निरंकार, मैं देखो आ गया इस रूप में, खुद टॉपिक देने खुद बनाने आ गया। किस रूप में आ जाता है सदगुरु, किस रूप में कहते ना कि अगर हमारा कनेक्शन जो है ना सदगुरु के चरणों से जुड़ा होगा ना तो जरूर किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आएगा। और हम सत्संग में अक्सर ये सुना करते हैं कि कोई भी अगर संत आता है तो उसको नाम से संबोधित ना करके आपका ध्यान कहाँ था, पता चले कि आप किसी परेशानी में लीन हो, किसी सोच विचार में परेशान हो, अचानक से कोई बहन या भाई संत महात्मा कोई भी निरंकारी संत महात्मा आता है तो वो नहीं आता, ये सद्गुरु आया उस रूप में, भूल जाओ उसका नाम भूल जाओ। तो दास को कुछ आज ऐसी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, महात्मा जी ने शायद देखा बताएंगे कि दूर से देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि आगे मदद करने आगे टॉपिक देने आगे खुद ही बताएगा, तो बहुत ही खुशी मिली। तो आज का टॉपिक भी है ये, अब हमारे महापुरुष जी ने खुद ही बताया कि मुसीबत मतलब हर किसी पे आ सकती है, चाहे वो निरंकारी संत हो सांसारिक हो, मगर मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है। और बड़ी सी बड़ी मुसीबत कहते हैं ना कि पर्वत को राई कैसे किया जा सकता है, ये सब महात्मा जी अपने वचनों में बताएंगे। इनके वचनों को एक एक वचनों को आप बड़े ध्यान से सुनना। तो चलते हैं इनके वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं, बड़ी कृपा होगी जो आप जी यहाँ आए और संत महात्माओं के सामने कुछ ऐसी प्रेरणादायक वचन रखेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी तो संबोधित करेंगे आप। प्यारी सा संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यार सा संगत जी, आज का जो मैसेज है वो यही है कि मुसीबत कभी भी किसी भी आ सकती है, लेकिन उससे कैसे निजात पानी है, उससे कैसे हमें मुश्किल से निकलना है, ये हमें जब हम ध्यान लगाते हैं तभी उस चीज़ का हम निकल पाते हैं। यही मैसेज आज के कहानी का है। आप सभी जानते हैं रामायण का, मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रामायण तो सभी लोग पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अभी हमारा सीरियल भी आया था रामायण के नाम से, जो रामानंद सागर जी ने बनाया था, बहुत अच्छा सीरियल वो बना था। उसमें भी अगर हम मुसीबत की बात करें वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है। स्वयं भगवान अवतरित होकर इस धरती पर आए और उन्होंने भी इस दुख को धरती पर झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये जीवन जी के बताया और करके दिखाया, कर्म में ढाल के बताया कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो यदि हम इस परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, गुरुचरणों पर भी ध्यान लगा देते हैं तो बड़ी बड़ी मुश्किल भी छोटी छोटी चीज़ों में पार होकर निकल जाती हैं। और फिर जितनी बड़ा संघर्ष होता है उतनी बड़ी जीत हमें नज़र आती है। जैसे कि एक उदाहरण रामायण का ही है कि भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे माता सीता जी को लाने के लिए, उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, जो माता सुभद्रा जी के पुत्र थे। देखते हैं कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होता है और छल से मेघनाथ एक प्रहार करता है और वहाँ पे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, और जैसे ही
लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, शाम का टाइम होता है, युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर अपने खेमे में लेकर जाते हैं, भगवान राम के पास लेकर जाते हैं, तो सब दुविधाओं पड़ जाते हैं कि लक्ष्मण कब क्या होगा। भगवान राम भी अब यही सोच रहे हैं कि लक्ष्मण का क्या होगा, ये मुसीबत कैसे आई, क्यों आई। दास ये बात शेयर कर रहा है, मुसीबत कभी किसी के पास भी आ सकती है। भगवान भी धरती पाए, उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ संगत जी दास हमेशा भगवान ने हमें यही समझाया कि हमें कितना ही बड़ी विपत्ता, कितना ही बड़ी दुख जीवन में आ जाए तो हमें इस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा हमें इस पर परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए कि यही हल निकालेगा। और हुआ भाई, भगवान राम ने जहाँ इसकी स्तुति की और हनुमान जी से बोला, हे हनुमान जी आप पता लगाओ इस समस्या का हल कैसे निकल सकता है। आप सभी जानते हैं कि फिर वो जड़ी बूटी लाई गई और समय से भगवान राम के द्वारा ही वो सब हनुमान जी से कराया। बाद में भगवान राम ने हनुमान जी को एक धन्यवाद भी दिया। तो यह भगवान राम हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान ये कैसा धन्यवाद है मेरे लिए, ये कैसा शुक्रिया है, जो किया वो आप ही करण करावान हारो, ये तो आपकी कृपा से मैं कर पाया। तो यहाँ पे यही चेतना मिली कि जो ये करता है सही करता है और ये जो भी करना चाहता है उसमें भी इसकी कोई राज रजा होती है, ये एक सीख होती है। अभी दास एक विचार और सुन रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी जो उनके गुरु थे, गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने एक बार मुझसे बोला कि हे विवेकानंद जी आप जाओ उस भारत का भ्रमण करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और जा कर के जहाँ जहाँ भी कुछ आपको अच्छा लगे साधु संतों से मिलो और उनको समझाओ ये परमपिता परमात्मा एक है, एक ही है सबका पिता। तो स्वामी जी ने परमहंस जी की बात मानी और वो भारत भ्रमण पे निकल पड़े। सत्संग जी जैसे ही कुछ दिन बीते वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए जहाँ से निकलना मुश्किल था, बल्कि मौत ही निश्चित थी। हुआ यूँ कि जैसे श्री स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण पे जा रहे थे कहीं बीच साउथ इंडियन की तरफ, तो वहाँ पे उनके साथ ऐसी घटना घटी कि कुछ लोग उनके ऐसे मिले जो तंत्र विद्या में दीप्त थे। अब जो वे लोग थे वे सोच रहे थे जो ये साधु है, ये संत है, अगर हम इसको अपनी बात में उलझाएंगे, इसको इसकी हत्या करेंगे या इसको मार देंगे तो इसकी आत्मा हमारे लिए बहुत काम आएगी। ये तंत्र विद्या में अक्सर ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी को अपने झांसे में फंसाया और किसी जंगल में ले गए और वहाँ पर कोई कमरा था, बंद कमरा था जहाँ कोई आता जाता नहीं था, और स्वामी जी को उन्होंने वहाँ बंद कर दिया। अब स्वामी जी कमरे में बंद हो गए और मन ही मन सोचने लगे, गुरु जी ने तो बोला था कि मैं भ्रमण के लिए निकलूँ, लेकिन यहाँ तो मुसीबत ही कुछ और आ गई। अब सत्संग जी ये बात स्वामी जी सोच ही रहे थे कि उनका ध्यान भटक गया गुरु चरणों से। अब वो अपनी जान की परवाह करने लगे, आखिर मैं जान बचाऊं तो कैसे बचाऊं। लेकिन फिर उनको ध्यान आया, जब गुरुजी ने मुझे भेजा है अब गुरुजी मुझे शीश से निकालेंगे। तो सत्संग जी वो बात स्वामी जी ने एक ध्यान लगाया उसी कमरे के अंदर, और ध्यान लगातार गुरुजी ने ध्यान लगाया कि गुरुजी ने भ्रमण के लिए भेजा है तो गुरुजी इस काम को करे, इस कार्य को वही पूर्ण करवाएंगे। उन्होंने गुरु चरणों में ध्यान लगाया और ध्यान ही ध्यान में गुरु से बात हुई। तो स्वामी जी ने बोला, हे प्रभु मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, आप ही मुझे यहाँ से बचा सकते हैं। तब गुरु जी ने इशारों में किया, कहा कि आप अपना ध्यान हटाइए और कोई राही वहाँ से निकल रहा है आप उस पर आवाज़ लगाइए।
अब सत्संग जी जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने उठे और वहाँ से एक रोशन दान था जहाँ से हवा आ सकती थी, देखा जा सकता था, देखा तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा है। स्वामी जी ने उनको आवाज़ लगाई, वो आदमी उधर दौड़ा आया, देख रहा है कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब फिर उस आदमी ने देखा यहाँ तो कोई आदमी है, एक भगवाधारी है, साधु है। वो कह रहा है आप यहाँ कैसे बंद हो गए, यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। तो स्वामी जी बोले हैं पहले आप मेरे को निकालो तब मैं अपनी कहानी बताऊंगा। तो सत्संग जी वो आदमी जाता है, एक पत्थर ले आता है, फिर पत्थर से उस ताले को तोड़ता है और कुंडी खोलता है, स्वामी जी को बाहर निकालता है, फिर वो कुंडी लगाता है, उस ताले को ऐसे अटका देता है, फिर स्वामी जी से बात करता है। हे स्वामी जी आप तो वेशधारी हो, साधु संत हो, आपको यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, फिर आपको यहाँ कैसे आना होया, किसने आपको ऐसी दशा बना दी। तो स्वामी जी ने बोला कि यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया, कैसे इन लोगों के चुंगल में फंस गया। तो स्वामी जी उस इंसान से पूछ रहे आप यहाँ कैसे आए। तो इंसान बोल रहा है मैं जा तो कहीं हो किसी रास्ते से रहा था, लेकिन अचानक एक मेरे मन में बात आई चलो आज उधर से न जाकर मैं इस रास्ते से जाऊंगा। तो सत्संग जी स्वामी जी मुस्कुराए कि ये मेरे गुरुजी का ही एक चेहरा है, ये परमपिता परमात्मा का चेहरा है जिन्होंने घुसकर इन्होंने इसको भेजा। और सत्संग जी वो आदमी हैरान, इतना सुंदर व्यक्ति, इतना अच्छा इंसान। तो सत्संग जी फिर स्वामी जी भ्रमण करके रामकृष्ण परमहंस के पास गए। फिर रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके गुरु थे उन्होंने पूछा आओ स्वामी जी कैसा रहा टूर आपका। तो बोले भगवान ये कैसी मुसीबत थी, आपने तो भ्रमण के लिए भेजा था और मुझे कहाँ डाल दिया। कह रहे स्वामी जी आपने मुझे भेजा तो सही था लेकिन कुछ समय के लिए आपका ध्यान गुरु चरणों से हट गया, और जैसे ही आपका ध्यान गुरु चरणों से हटा, इस परम पिता परमात्मा से हटा, तो जो साथी आपके थे जो आपको अपने चुंगले फंसा रहे थे इसलिए आप उनके चुंगले में फंस गए, क्योंकि ध्यान आपका परम पिता परमात्मा से हट गया और वहाँ पे आप उनकी बातों में ज़्यादा लिप्त हो गए, इसलिए ये आपका हाल हुआ है। तो दास का कहने का भाव यही है, जब तक हम इस परमपिता परमात्मा का सहारा लेते हैं, बड़ी सी मुसीबत भी एक छोटी से छोटी चीज़ के रास्ते निकल जाती है। यही चीज़ का आज का ये टॉपिक था, इसी पे जो दास ने बात की वो यही थी कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए पर हमें इस परमपिता परमात्मा के साथ हमें हरदम जुड़ा रहना चाहिए, और जो सतगुरु के वचन आते हैं हमें उस पर ही अमल करना चाहिए और उस पर अटल रहना चाहिए। प्यारे सत्संग जी प्यार से कहना धन निकाल।